हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस दोनों बल्ब को रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम ये होल्डर ले लेते हैं जिसमें कि हम बल्ब को चेक करेंगे। और यहाँ पे रहा लाइन फ्रेंड्स, तो इसमें हम इसको प्लग को लगा देते हैं और अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हल्का सा बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, बाकी बार ये बंद है। और दूसरा देखते हैं तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी लाइट नहीं आ रही है, ना तो ठोकने वोकने से कुछ भी लाइट नहीं आ रही। तो इस दोनों बल्ब को हम बहुत ही आसानी से रिपेयर करेंगे और आप भी पूरा वीडियो देखने के बाद घर पे बहुत ही आसानी से बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस दोनों का ये ढक्कन जो है ऊपर वाला खोल लेना है। तो इसको जो है फ्रेंड्स डिफ्यूजर कहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तब वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अब जो है फ्रेंड्स, दूसरा बल्ब भी का भी ढक्कन इस तरह से खोल लेंगे। और खोलने के बाद जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए फिजिकली ये बल्ब जो है इसमें डॉट है, यानी कि इसका ये बल्ब जो है वो खराब हो चुका है। तो पहले हम इस बल्ब को यहाँ पे लगा लेते हैं। और लगाने के बाद फ्रेंड्स, आपको एक सिंपल इस तरह का छोटा सा वायर ले लेना है और इस वायर से हमें टेस्ट करना है। ऐसे तो हम हर एक वीडियो में चिमटे से चेक कर लेते थे, लेकिन आप लोग अगर घर पर रिपेयर करोगे तो हो सकता है आपके पास चिमटा ना हो। तो हम यहाँ पे इस तरह से देखिए इसको हम शॉर्ट करेंगे। तो इसको शॉर्ट करने के बाद देखें फ्रेंड्स, ये बल्ब जो है सभी आपस में ग्लो करने लगे हैं, यानी कि इसका ये वाला जो बल्ब है वो खराब है। तो अभी हम इसको यहाँ से पहले हटा लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे इस बल्ब को हटा लेंगे ताकि हमें आसानी से पता चल जाए। और अब हम दूसरा बल्ब को देखें। तो हमें चिमटा से ही कर लेते हैं क्योंकि चिमटा से हमें आसानी होती है और वायर से जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर आपके पास चिमटा ना हो तो आप वायर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम एक एक बल्ब को इस तरह से करके शॉर्ट करके देखेंगे। तो शॉर्ट करने के बाद ये बल्ब जो है देखिए बंद हो गया है और ऐसे ये जल रहा है। तो इस तरह से पता कर लेना कि बल्ब शॉर्ट हो रहा है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको शॉर्ट करने के बाद ये बल्ब जो है जल चुका है, यानी कि इसका ये वाला जो बल्ब है ये खराब है, ये वाला। तो इसको भी यहाँ से हम हटा लेते हैं। तो ये दोनों बल्ब जो है यहाँ से हट चुका है। और अब जो है फ्रेंड्स, हम इसको शॉर्ट करके भी बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम शॉर्ट करके बल्ब को रिपेयर करेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, बहुत ही जल्द खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हमें दो मेथड यूज करना है, या तो आप एक डायोड से रिपेयर कर लें और नहीं तो फिर इस तरह का एक रेजिस्टर ले लें, ये वाला, और इस डायोड से भी कर सकते हैं। तो दोनों का सबसे पहले हम वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो इसका जो वैल्यू 68 ओम है। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर लेते हैं, अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये दोनों में से कोई एक लगा दें और इसको हमें ऑन करना है। तो ऑन करना है तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ MA पे लगा हुआ है, इसको हमें ओम्स पे लगा लेना है। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स, जनरली 200 पे ये रखना है क्योंकि ये ओम्स में ही, तो 200 ओम्स के बीच में रखना है। और अब हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 68 या 67 के आसपास आ रहा है, यानी कि ये 70 ओम का रजिस्टर है। और अब हमें इसको भी देख लेना है फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए एक साइड से कोई वैल्यू नहीं आएगा और दूसरे साइड से देखते हैं तो ये तो डायोड है तो इसमें भी सिंपली नहीं आएगा। तो इसको हमें चेक करने के लिए फ्रेंड्स, इसको कंटिन्यूसली मोड पे रखना है और इस तरह से चेक करना है। तो इसका जो वैल्यू देखिए 565 है, यानी कि ये दोनों में से कोई भी हम इसमें लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इसको लगा लेते हैं। तो लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें इस तरह से होल्ड करना है, तो हमें इसको इस तरह से होल्ड कर लेना है। और अब यहाँ से ये वाला जो है पहले से बल्ब, इसको हमें यहाँ से हटा लेना है। तो सोल्डिंग आयरन की मदद से हम इसको हटा लेते हैं। तो ये यहाँ देखिए फ्रेंड्स हट चुका है। और अब यहाँ पे हम डायोड लगाते हैं। तो इसमें भी लगाने के लिए फ्रेंड्स, डायोड लगाने में हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है क्योंकि ये जो सिंबल है ये हम किस साइड हमें लगाना है। तो अगर आपको मालूम नहीं है तो आप किसी तरह से सिंपली इसको लगा दें। और लगाने के बाद होगा यही सिर्फ कि एक तरफ से ये जलेगा और एक तरफ से ये नहीं जलेगा। तो हम पहले किसी भी तरफ से लगा लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम इसको आसानी से किसी भी तरह से लगा लेते हैं, कोई दिक्कत। सिर्फ वही होगा कि ये एक तरफ से जलेगा और एक तरफ से ये नहीं जलेगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, लग चुका है। और अब हम इसको जला के देखते हैं। तो ये देखिए इस तरह से जलने लगा। और अगर हम इसको उल्टा करते हैं, तो उल्टा करके भी दिखा देते हैं, तो ये जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। इस साइड हम इसको लगा दिए और इस साइड वाले भाग पर इसको। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बल्ब जो है नहीं जलेगा। तो अब देखिए ये बल्ब नहीं जल रहा है। तो इसको अब यहाँ से बदलने के लिए पहले इस तरह से यहाँ शॉर्ट कर लेना है, जैसे कि हमें करंट का झटका ना लगे। और यहाँ से इसको छुड़ा लेते हैं और फिर हम सिंपली इसको इस तरह से लगा लेते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए लग गया और अब ये बल्ब जलने लगेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये बल्ब आसानी से जल रहा है। अब हम दूसरा बल्ब को बनाते हैं। तो दूसरा बल्ब में भी इसको यहाँ से हटा लेना है। तो ये यहाँ से हट गया है और ये रजिस्टर लगा लेना है, जिसका कि वैल्यू हमने इसमें बता चुके हैं। तो वीडियो को आप हमेशा पूरा देखें, जिससे कि आपको कोई भी पार्ट मिस ना हो। और अब इस एक वायर जो है इस साइड हमें लगा लेना है। तो ये लग गया और अब हम इसको भी चेक करते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये बल्ब भी बनकर रेडी हो गया है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपने घर पे रिपेयर कर सकते हैं और कॉस्ट बहुत ही कम आएगा। डायोड खरीदने में आपको 1 रुपया लगेगा और इसको खरीदने में आपको 50 पैसा लगेगा। तो सिर्फ आप 50 पैसा या 1 रुपया में बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं और ये लॉन्ग लाइफ चलेगा भी। ये शॉर्ट करने की अपेक्षा से ये ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो, तब तक जय हिंद।